हाँ 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सनातनियों के साथ न्याय होने लगा है, आजाद भारत में कोर्ट जाना पड़ रहा है हम लोगों को, ये दुखद है। तो चलो कोर्ट के ही माध्यम से सही, राम राज्य की स्थापना हो रही है। सबूतों ने ये बताया कि वो हमारा देवालय था, तभी जज साहब ने कहा कि वहाँ पूजा प्रारंभ की जाए। हम मुस्लिम भाई को समझनी चाहिए कि काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों जगह हिंदुओं का प्राण बसते हैं, इन जगह पे कोई समझौता हिंदू तो नहीं करेगा। अयोध्या के बाद अब जब ज्ञानवापी की बारी आई, कोर्ट ने मस्जिद के बंद तहखाने खुलवाने का आदेश क्या दिया, हिंदुओं को उसमें पूजा पाठ करने की इजाजत क्या दी। हैदराबाद से सांसद बैरिस्टर बाबू असदुद्दीन ओवैसी तमतमा गए। वहीं दूसरी तरफ कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर आनंदित नजर आए। अब जो कि एक हफ्ते के भीतर न सिर्फ 30 सालों से बंद पड़े तहखाने को खोला जाएगा, बल्कि व्यास परिवार द्वारा पुनः पूजा पाठ शुरू होगी, जिसे देखते हुए गुस्साए ओवैसी 6 दिसंबर का विध्वंस याद दिलाने लगे। खुलकर बोले कि जब कोर्ट में वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, तो फिर 6 दिसंबर क्यों नहीं दोहराया जा सकता। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को ही डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं, तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल में, 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाई करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस अप्रिहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट है, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था, तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है। अब देखना ये है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद अलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले का अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला है, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता, मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है, 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीज़ें हैं। नहीं नहीं अब उस सर, मेरा सवाल इसी जुड़ा हुआ है, हिंदू पक्ष के जो लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। 86 हुआ फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। ज्ञानवापी पर आए कोर्ट के फैसले से नाराज ओवैसी अपनी बौखलाहट में बाबरी विध्वंस की याद दिला रहे हैं, जिस पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए देवकी नंदन महाराज भी इशारों ही इशारों में बोल चुके हैं कि अब अपने प्राणों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। ये राम राज्य की शुरुआत है, सनातनियों के साथ न्याय होने लगा है, सनातनियों को न्याय मिल रहा है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा शोषण सनातनियों का किया गया था, देवालयों का किया गया था, सनातनियों की भावनाओं का, आस्था का किया गया था। अब हमें न्यायालयों से न्याय मिलना प्रारंभ हुआ है, तो ये सभी सनातनियों के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि 93 की गवर्नमेंट ने जहाँ सनात, उससे पहले होती थी वहाँ पूजा, 93 से पहले वहाँ पूजा होती थी,
पर तत्कालीन सरकार ने, उस समय की सरकार ने सनातनियों को उस मंदिर में पूजा करने से रोक दिया और वो 2024 तक बंद रहा। ये दुखद है और उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा सनातनियों को, ये दुखद है। आज़ाद भारत में कोर्ट जाना पड़ रहा है हम लोगों को, ये दुखद है। तो चलो कोर्ट के ही माध्यम से सही, राम राज्य की स्थापना हो रही है, हम न्याय के माध्यम को हमारे संविधान को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, और सनातनियों को कहेंगे कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हमें कोर्ट में जाना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, कोर्ट पे लड़के कोर्ट में लड़े और हमें न्याय मिले और हम अपने राम कृष्ण और शिव इन तीनों की जगह पर पूजा करें। एक और निवेदन है, जैसे ज्ञानवापी पे सर्वे करने के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, वैसे ही मथुरा कृष्ण भूमि ईदगाह में भी सर्वे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जिससे हम जो कह रहे हैं वो बात सत्य सामने आए, जामा मस्जिद की बातें हम सबके सामने आए कि वो सही है कि नहीं। और आप विश्वास कीजिए, वहाँ भी सनातनी सिर्फ तथ्य के साथ गए, बात सत्य होगी और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह मिलेंगे, सनातन के चिन्ह मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। सबूतों ने ये बताया कि वो हमारा देवालय था, तभी जज साहब ने कहा कि वहाँ पूजा प्रारंभ की जाए। अब एक जगह पर, पूजा वाली जगह पर, इनका कुरान कहता है कि ये नमाज नहीं पढ़ सकते, तो जब वहाँ पूजा ही करनी है तो नमाज कैसे पढ़ोगे? तो इनको तो अपने आराम से छोड़ देनी चाहिए, बोले आप जाओ, हम जा रहे हैं भैया, आप पूजा करो। क्यों? क्योंकि ये बात सिद्ध हो गई, वहाँ मंदिर था, ये बात सिद्ध हो गई कि ये मंदिर ही है, और जो मंदिर है, मंदिर में तो नमाज कोई नहीं पढ़ता, उसके लिए तो मस्जिद चाहिए। और अब ये डिसाइड करें ये लोग कि ये मस्जिद है कि मंदिर है, मंदिर के है तभी पूजा का अधिकार मिल गया, तो अब तो इनको सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनको अब वहाँ नमाज पढ़नी चाहिए, मुझे लगता है कि अब उनको अपना कहना चाहिए कि भैया ठीक है, हिंदू भाइयों का काशी है, हम दूसरी जगह नमाज पढ़ लेंगे, भाईचारा निभाओ थोड़ा सा, तो निभाओ भाई, थोड़ा निभाएंगे तो अच्छा रहेगा। मुस्लिम भाइयों को एक बात बता दें, जो राजनीति कर रहे हैं और जो मुस्लिम भाइयों की जनता का पैसा ले रहे हैं, वो ऐसे ही हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, लेकिन ये आम मुस्लिम भाई को समझनी चाहिए कि काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों जगह हिंदुओं का प्राण बसते हैं, इन जगह पे कोई समझौता हिंदू तो नहीं करेगा। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा बड़ा हृदय करें और काशी और मथुरा दोनों खाली करें, और राम जी की है ही जगह, तो अब हम तीनों जगह पर मंदिर बनने दें, बाकी का जो भाईचारा है वो निभाएं, उसमें कोई बुराई। ज्ञानवापी का सच क्या है, मंदिर या फिर मस्जिद, इस पर कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है। मस्जिद के भीतर भव्य हिंदू मंदिरों के सबूतों से मुस्लिम पक्षकार इनकार करते आए हैं और हिंदू पक्षकारों को पूरा भरोसा है कि अब जाकर नंदी महाराज का इंतजार खत्म होगा। व्यास जी तहखाने से जुड़े मामले पर आए कोर्ट के फैसले से आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।